Welcome to our channel, Jyotirma Phule Group of Education, Bandipur. इस कोरोना काल में हमने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को घर पर ही लाभान्वित करने के लिए ये चैनल चलाया है और इसमें मैं आपको सुनील कुमार तिवारी क्लास टेंथ की इंग्लिश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी हमारा टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो शेष भाग था उसको कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा जो टेस्ट चलेगा वो चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है? तो देखो, पहचान हिंदी वाक्यों के अंदर में छुपा है, छुपे हैं, छुपी है। आदि शब्द क्लियर। हमने आपको इसकी पहचान बताई है कि हिंदी वाक्य के अर्थ में छुपा चुके हैं कि ये आदि शब्द है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है ते है ती है, कंटिन्यूअस की कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, और उसी तरह परफेक्ट की है छुपा है, छुपे है, छुपी है। अब आ रहा है आपका नंबर एक। हेल्पिंग वर्ब का कल मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब में होती है सहायक और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, सहायक क्रिया। किसका प्रयोग करेंगे? है तथा है। ये हो गया हमारा रोल नंबर एक। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूं कि है का और है का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे और कैसे करेंगे। अब देखिए, है का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम। ही आ जाए, सी आ जाए, और निर्माण तथा सिंगुलर सब्जेक्ट।
ही सी इट और ने तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आई का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आई वी यू दे का प्रयोग, मैंने आपको है का प्रयोग बताया कि है का प्रयोग तो सब्जेक्ट इसी टेन के साथ करेंगे और एक वचन कर्ता के साथ करेंगे, जबकि है का प्रयोग सब्जेक्ट आई वी यू दे और नववचन कर्ता के साथ करते हैं। क्लियर याद है? अब आ जाएंगे रूल नंबर दो। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं आपको इनकी फॉर्मों के बारे में लिखवाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इनका प्रयोग कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है आपके पास, अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद आपको रूल नंबर एक लिखना है, और रूल नंबर एक है हमारा एज और है प्लस एज या है प्लस रूल नंबर सेकंड क्या है वर्ब सी थर्ड फॉर्म, और वर्ब के तुरंत बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना प्लस अदर। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, बिश्नोई हरे वृक्षों की सुरक्षा कर सके। सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम किसी हिंदी सेंटेंस का जब इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी पहचान क्या होती है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हमको पता है हमारी पहचान है उसका है क्या है की है, और हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसमें एज तथा हैव जो अकॉर्डिंग टू स्टेट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमको कहाँ देखना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट। अब देखो बिश्नोई एक जाति शायद आज भी ऐसे में पाठ भी है अब तो नहीं है द टेल ऑफ बिश्नोई, उसमें बिश्नोई
था हमारे, तो वहीं से मैंने इस सेंटेंस को उठाया है। तो जितने सेंटेंस तुम बुक से बनाओगे उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बुक के सेंटेंस से आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, बिश्नोई एक जाति है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, बिश्नोई। अब बिश्नोई यहाँ प्लूरल नंबर है, और प्लूरल होने के कारण हम लिखेंगे हैव। क्लियर। इसके बाद हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कही थी वर्ब के लिए आप नीचे नीचे पहुंच जाए और नीचे से उल्टे चले आए। सुरक्षा को कहते हैं प्रोटेक्ट, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है वन। हो गया थर्ड फॉर्म प्रोटेक्टेड। अब उल्टे चलो की और फिर की वृक्ष, कौन से वृक्ष है, ग्रीन और ग्रीन टी। दूसरा सेंटेंस है, तुम एक उपन्यास लिख चुके हो, इसमें भी हमारी पहचान हुई है। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, और नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है प्लस। मैंने आपको पिछले दो दिन में भी बताया था कि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस आए इट मींस तीसरे स्थान पर आपको नोट का प्रयोग करना है, थर्ड पोजीशन पर नोट लगाना है। तो थर्ड पोजीशन कहाँ आएगी, है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। है हैव की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर। मैंने सेंटेंस लिखा इस वजह से, वे एक पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। देखिए, जब हमने ये सेंटेंस लिखा था
कि वह कहां ले जा चुकी है, तो वह को कहते हैं चुकी है कोई लड़की है, और लड़की के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे। सी सी के साथ क्या आ जाएगा, है तीसरे स्थान पर क्या लिखना है, नौ सबसे पहले शब्द लिखा मैंने, फिर है का प्रयोग किया, फिर नौ का प्रयोग किया, अब मुझे वर्ग की कल्पना चाहिए और वर्ग की सिंह किस मिलेगी, सिंह की कल्पना होती है संघ, सिंह सैंग संघ क्या निकाल चुकी है, क्लियर ऐसे देखो आप वे को कहते हैं दे के साथ है तीसरे स्थान पर नौ वर्ग की थर्ड पर फ्लाई फ्लू एंड फ्लॉन उसकी थर्ड फॉर्म हो गई फ्लॉन एल ओ डब्ल्यू है ये फॉर्म आपको याद रखने की मैं लिखवा दूंगा क्या नहीं उड़ा चुके हैं एक आठ तीसरा जो सेंटेंस आता है हमारा आता है इंटरव्यू इंटरव्यू सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है क्लियर तो आप देखिए इसमें स्ट्रक्चर तो मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा है नंबर एक क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो तो कल भी मैंने आपको बताया था इसके आपको सेंटेंस रह गया तुम अपना कार्य कर चुके तुमको कहते हैं यू यू के साथ एजेंट में से क्या आएगा क्योंकि स्टडी में हमको एजेंट लिखना है जिसका आप होता है क्या तो यहाँ आएगा यू के साथ बताया मैंने आपके लिए है अब वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन
डन, थर्ड पॉइंट हो गई। क्या कर चुके हो? कार्य, इसका अपना, अगर मैं यहाँ लिखता तो तुम्हारा कार्य कर चुके हो तो भी एक बात, तुम अपना कार्य कर चुके हो तो भी एक बात है, क्योंकि आना पदेशिक है। डन योर वर्क। अगला देखो, क्या है? रसोई में भोजन पका चुकी है। सब्जेक्ट हो गया सी, सी के साथ क्या आएगा? है। क्लियर? थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड। क्या पका चुकी है? उल्टे चलना है फूड। पहले मैंने कुक्ड की लिखी, फिर उससे पहले फूड की लिखी, फिर देखूंगा इनका और फिर उल्टा चलूंगा तो क्या है किचन। और आज का क्वेश्चन मार्क इस तरह से आपका इंटरमीडिएट सेंटेंस खत्म हो गया है। आपको मेरे साथ ये पढ़ना चाहिए और रिवीजन भी करना चाहिए। अगर कहीं को किसी की स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे चैनल पर बताइए, कमेंट बॉक्स में डालें ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं नंबर चार, नंबर चार आता है आपका कंटेम्परेटिव। क्या सोहन एक कविता नहीं पढ़ चुका है? तो देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ये सोहन, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको एडजेक्टिव वर्ब का उपयोग करना है। सोहन एक वचन है तो एक वचन एडजेक्टिव वर्ब लिखो। इसके बाद आपको लिखना है तीसरे स्थान पर आपको नोट लिखना है। फिर वर्ग लिखनी है, वर्ग क्या है? रीड रीड रीड। क्लियर? और रीड के बाद क्या लिख चुका है? उल्टे चलना है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सेंटेंस पर। क्या मैं
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ हमको लिखना है हैव, क्योंकि आई वी के साथ मैंने आपको हैव का प्रयोग बताया। तीसरे स्थान पर आपको नॉन लिखना है, वर्ब के लिए लास्ट लास्ट में बोलते हैं, काटने की धर्मा कठिन होती है, क्योंकि कट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद एक ग्रेड और अंत में इस तरह से आपका ये टेंस खत्म हो गया। आप मेरे साथ रिवाइज करते रहे और काम भी करते रहे और स्क्रीन शॉट लेना ना, स्क्रीन शॉट लेते रहे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर टेंस संबंधित किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट या चैट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दें, नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, एक सेंटेंस से आपको चार बनाने हैं। जैसे मैं आज मेरे से आठ हजार, लेकिन अब इसके हमको चार सेंटेंस बनाने, पहला बनाना है अफर्मेटिव, दूसरा बनाना है नेगेटिव, तीसरा बनाना है इंटरोगेटिव और चौथा बनाना है इंटरप्रेटिव नेगेटिव। चार सेंटेंस हमको बनाना है। पहला सेंटेंस हमारी सामने दिया हुआ है उसकी हिंदी, अब हमको इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, वो कहते हैं आई, आई के साथ आएगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की कम और आने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे फ्रॉम, कहां से आ चुका हूं अजमेर से। आज देखो मैं को आई, आई के साथ है वर्ब के उपयोग बताया मैंने आपको, आने की थर्ड फॉर्म कम के कम और थर्ड फॉर्म के बाद से को आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और अजमेर। आप मुझे कौन सा बनाना है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ तीसरे स्थान पर नोट लगा दूंगा, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस रेडी है, आई हैव नॉट कम फ्रॉम आई, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा आपके तो चार बना दोगे, इंटरोगेटिव भी इससे ही बन जाएगा। तो देखिए इंटरचेंज कर लो, हैव को आई के स्थान पर दिया है, आई को ले जाओ हैव के स्थान, ऐसा ही मैं करता हूं हैव आई, बाकी यू का यू लिख दूंगा मैं कम फ्रॉम। चौथा है तीसरा नेगेटिव, तो चौथे में सिर्फ नेगेटिव का अंतर है तो तीसरे स्थान पर नोट लगाना है, तो ये है और लिखती है आई तीसरे स्थान पर नोट लिखती है और फिर हो गई होता
फूल तो इसके लिए हमको चार बनाने, चार अपन से पहला बनाना है अफर्मेटिव, फिर बनाना है नेगेटिव, फिर बनाना है इंटरोगेटिव और चौथा बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर? अब चारों सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले कोई बात कर रही है सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट कोई लड़की को तोड़ चुकी है तो सी आ जाएगा, सी के साथ आएगा है इसे के साथ में नाम तो ऐसा भी होता है। इसके बाद वर्ब चाहिए हमको, वर्ब क्या हो गई तोड़ना, तोड़ने को कहते हैं चुला, इसके धारक बनानी है चुला, क्योंकि फूल तोड़ने में मैंने कल भी आपको बताया था कि प्लग का उपयोग करते हैं, प्लग फ्लावर इंदा। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हमको क्या करना है, सिर्फ नॉट का उपयोग करना है, सी का सी लिख दिया, एज को भी उपयोग लिख दूंगा, तीसरे स्थान पर नॉट का उपयोग करते हुए पूरा योग लिखना है प्लस
आपको इसके चार सेंटेंस बनाना है। आपने बैठे नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले मुझे इसका अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव में दिया हुआ है आपको अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो अध्यापक को कहते हैं कि लिख दिए। टीचर के साथ आया हमारा अध्यापक है, तो टीचर एक मतलब है पढ़ाने से धर्म फॉर्म हो जाएगी। टीचर का मतलब होता है टीच और टीच की धर्म फॉर्म होगी टॉक। क्लियर दो बे सारे देखो आप। तीसरा जगह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट मींस प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रश्नात्मक वाक्य। तो मैंने आपसे कही थी एज को टीचर के स्थान पर लिया इंटरचेंज करो और टीचर को ले जाओ यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे हम एज टीचर। क्लियर और वे लिखेंगे शॉर्ट English in the class। और ये लास्ट सेंटेंस रहेगा आपके लिए और अंत में इसमें लगा क्वेश्चन। चौथा सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें और इसमें और इसमें सिर्फ नोट का अंतर है, तो मैं नोट को तीसरे स्थान पर लगाऊंगा है टीचर और आ लगा दूंगा मैं नोट फिर लिखना है हमको इंग्लिश इन द क्लास और क्वेश्चन। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हो गया। फिर भी अगर मान लो कोई समस्या रह जाए किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप मुझे मेरे चैट बॉक्स में डाल दें और आपकी